अजमेर की पाक जमीन करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। बात जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की करें या ख्वाजा गरीब नवाज की, उनका नाम जहन में आते ही व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में बैठे हों उसका सर सजदे के लिए झुक जाता है। यह धार्मिक नगरी करी कचौरी और सोन हलवे के जायके के लिए भी जानी जाती है, लेकिन यहाँ के भूतिया हलवाई के दूध और लस्सी के स्वाद की अब बात करें कि आखिर इस हलवाई का नाम भूतिया हलवाई कैसे पड़ा, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा के मूल निवासी लालाजी मूलचंद गुप्ता ने अलवर गेट क्षेत्र में साल 1933 में मिठाइयों की दुकान खोली। उस वक्त उस क्षेत्र में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहता था। पास में एक रेलवे कारखाना था। लालाजी के बेटे और पोतों के अनुसार अंग्रेजों के समय में दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती थी। लोग शाम होते होते अपने घरों में बंद हो जाते थे, लेकिन लालाजी बेखौफ होकर रात भर अपनी दुकान में बैठकर मिठाइयां बनाते थे। उस समय लोगों में यह डर भी था कि इस क्षेत्र में भूत आते थे। लालाजी के पोते का कहना है कि लालाजी की तरह उन्होंने गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया, नियमों का पूरा पालन करने की कोशिश करते हैं, गैस सिलेंडर भी व्यावसायिक इस्तेमाल करते हैं, साफ सफाई से भी कोई समझौता नहीं करते। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।